मंदिर तो हमारे सामने भी देखिए है, वहाँ भी हम पूजा कर लेंगे, लेकिन रोटी घटेगा तो कहाँ से ले लेंगे? कपड़ा शरीर पर नहीं रहेगा तो किसका लेके पहन लेंगे? मंदिर तो कहीं पूजा कर लेंगे, जब हम उस धर्म में पैदा हुए हैं तो पूजा तो करवे करेंगे। अरे नौजवान अब की तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, इसलिए कि उनको रोजगार चाहिए। और 17 महीना जो गठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार जी मुखिया थे, उनके अंडर में जो रह के तेजस्वी यादव जी ने जो ग्राउंड में काम किया, 5-5.5 लाख जो नौजवानों को शिक्षा में नौकरी दिया, इसके चलते पूरे नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान और हिंदुस्तान के भी नौजवानों का। आपके जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सिग्रीवाल जी को हम 10 में से 5 नंबर देंगे। रीज़न अगर पूछेंगे तो सिग्रीवाल जी का जो है जमीनी कोई जो है विकास नहीं नज़र आया है। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है, जहां से भाजपा के सिटिंग एमपी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से यहां आकाश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे भी हैं। तो आइए जानते हैं कि यहां से कौन जीतता है और किसको लोकसभा का ताज मिलेगा। क्या लग रहा है यहां का माहौल? पहले मैं आपसे बात करने आया हूं, तो आप बताइए हमेशा दूसरों पे कब तक टालेंगे? माहौल क्या जानना चाहते हैं हम? यहां का माहौल क्या है, कौन चुनाव जीत रहा है? अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं? विकास। मतलब कैसा विकास? विकास तो बहुत नौजवानों को क्या चाहिए? विकास चाहिए, नौजवानों को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए। जैसे स्थानीय मुद्दे भी कुछ होंगे, केंद्रीय मुद्दे भी देखिए। आज डिजिटल युग में लड़का सब जो बेकार पढ़ लिखे है, उस सब लोग को रोजगार ना चाहिए? बात बना के चल, कोई नेता आके चल जाता है, उससे काम नहीं ना सदने जा रहा है। यहाँ धरातल पर काम चाहिए, और वही यही सब मुद्दा है। ऐसी सब मुद्दा को लेकर लोग बदलाव कर रहा है। भाजपा राम मंदिर की बात कर रही है, नरेंद्र मोदी के लहर की बात कर रही है यहाँ पे। अरे मंदिर तो हमारे सामने भी देखिए है, वहाँ भी हम पूजा कर लेंगे, लेकिन रोटी घटेगा तो कहाँ से ले लेंगे? कपड़ा शरीर पर नहीं रहेगा तो किसका लेके पहन लेंगे? मंदिर तो कहीं पूजा कर लेंगे, जब हम उस धर्म में पैदा हुए हैं तो पूजा तो करवे करेंगे। अभी यहाँ पे तेजस्वी यादव की रैली है, हाल ही में कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव की सरकार गिरी है, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं? तेजस्वी यादव एक नौजवान है, बिहार का युवा नेता है, नौजवानों को काफ़ी उनके ऊपर भरोसा है। रह गई बात वोट की, तो सारे नौजवान अब की तेजस्वी यादव जी के साथ हैं, इसलिए कि उनको रोजगार चाहिए। और 17 महीना जो गठबंधन के सरकार में नीतीश कुमार जी मुखिया थे, उनके अंडर में जो रह के तेजस्वी यादव जी ने जो ग्राउंड में काम किया, 5-5.5 लाख जो नौजवानों को शिक्षा में नौकरी दिया, इसके चलते पूरे नौजवान, पूरे बिहार के नौजवान और हिंदुस्तान के भी नौजवानों का उनके ऊपर काफ़ी भरोसा है। रह गया तो कि अभी तो बिहार की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन एक देश के नेता के रूप में भी, बहुत बड़ा नेता के रूप में उभरेंगे, और अभी पूरे नौजवान उनके साथ एकजुट पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं, यही हमारा कहना है। यहाँ के जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, यहीं की जनता ने उनको वोट देकर संसद भेजा होगा, उनके काम को आप किस तरीके से देखते हैं? ना देखिए, काम तो जो भी कुछ मोदी जी किए हैं, लेकिन उनके आड़ में जो भी लोग सांसद हैं, जो 40 में 39 सीट बिहार से जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने देने का काम किया, उस हिसाब से बिहार का विकास ग्राउंड में बिल्कुल जीरो है। इसी के चलते अब कि पूरे बिहार का नौजवान, युवा, गरीब, दलित सारे लोगों का ये सोच है कि अब कि परिवर्तन का लहर बिहार से ही दिया जाए, ताकि दिल्ली में पता चले कि नहीं, अब कि चेंजिंग का लहर है और पूरे बिहार में लहर है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लहर है। कहीं लहर नहीं है, जो 2014 में था, जो 2019 में था, वो अब कहीं लहर नहीं है। अगर ये लहर रहता तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार में आके रोड पे नहीं घूमना पड़ता। आप लोग इंडिया गठबंधन का नेता किसको मानते हैं? हम लोग इंडिया गठबंधन के नेता सारे लोग हैं। प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखते हैं? पहले तो देश के अंदर महागठबंधन अपनी शक्ति के साथ लोकसभा चुनाव जीतकर और दिल्ली में सरकार बनाने के जब काबिल होगी, तो नेता का तो चुनाव ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसलिए बहुत लोग नेता है, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इन लोगों में से जो बढ़िया नेता लोग हैं, बैठ के जिसका समर्थन करेंगे वो प्रधानमंत्री बनेंगे देश का।
आपका क्या नाम है? हमारा डॉक्टर के राय नाम हुआ। अच्छा, आप यहीं के हैं? हम स्थानीय यहीं के हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस छपरा में करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपके जो सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, उनको आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? सिग्रीवाल जी को हम 10 में से 5 नंबर देंगे। रीज़न अगर पूछेंगे तो सिग्रीवाल जी का जो है जमीनी कोई जो है विकास नहीं नज़र आया है। रीज़न कि उनको जो है छठ घाट और इन सबों के अलावा दूसरा कोई उनको विकास नज़र ही नहीं आता है। आज के डेट में यहाँ मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ से पहले जब ये इस ट्रेन की जो छोटी लाइनें चलती थी, अब बड़ी लाइन में कन्वर्ट हो गई है। ये छोटी लाइन ट्रेन का जो टाइमिंग है, शेड्यूल है, अब यहाँ से किसी को अगर छपरा जाना होता है तो वो अगर समझ लीजिए कि किसी को सुबह में समाहरणालय जाना है, वो आदमी जब यहाँ से 1 बजे वाली ट्रेन से अगर जाएगा तो समाहरणालय में उसका काम होगा नहीं। ट्रेन का टाइमिंग कोई नहीं है और यहाँ से लोगों को छपरा जाने के लिए या तो नेवारी जाएंगे, नेवारी से बाई बस जाएंगे, नहीं तो यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम जो है इसुआपुर जाएंगे, तब जा करके उन लोगों को जो है सवारी मिलती है और उस साधन से वो लोग जाते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए? नौजवान को अभी बस यही चाहिए, शिक्षा, रोज़गार। चूँकि बहुत एजुकेटेड लोग हैं जो कि आज के डेट में बेकार हैं, तो हम लोग को शिक्षा चाहिए। ठीक है, अच्छी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ये अपना राम मंदिर बनाया, ठीक है, भगवान सबके जो है पूजनीय है, सब लोगों को जो उसमें आस्था होती है, लेकिन केवल आस्था से जो है काम नहीं चलने वाला है। चूँकि लोगों, मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री से नाराजगी नहीं है, यहाँ के स्थानीय सांसद से नाराजगी? यहाँ के स्थानीय सांसद से नाराजगी। हम लोग प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जो भी काम कर रहे हैं सराहनीय काम कर रहे हैं, लेकिन नौजवान और युवाओं को जो है रोज़गार चाहिए और उसी पे जो है रोज़गार के बोलबोते ही जो है हमारे नौजवान आगे बढ़ेंगे और जो है भारत का विकास होगा।